यहाँ पर जेशिया और डॉक्टर गु के लिए एक कैमरा भी गिफ्ट के तौर पर लेकर आई थी। एंड यहाँ पर वो उसे अपनी फोटोज क्लिक करने के लिए भी कहती है कि जिन और जिन ने भी अपनी फोटोज की एक एल्बम बनाई हुई है, सो अब हम भी मिलकर बहुत सी फोटोज बनाकर एक एल्बम बनाएंगे। एंड यहाँ पर ये दोनों फिर अपनी बहुत ही क्यूट सी फोटोज भी बनाते हैं और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं। और फिर यहाँ पर गु उसे अपनी फैमिली की भी फोटोज दिखाता है। जी श्याओ को तो उसके पेरेंट्स काफी गॉर्जियस लगते हैं। यहाँ पर गु तो स्पेशल जी श्याओ के लिए खाना भी बनाता है। अब ये दोनों यहाँ पर इकट्ठे होते और हमें कोई किसका सीन ना दिखाया जाता, ये भला कैसे हो सकता था। सो यहाँ पर गु जी श्याओ को किस भी करता है। अब उसके साथ गु ने काफी सारा टाइम स्पेंड कर लिया था, तो सारी रात बैठकर उसे फिर अपना वर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है। जिन जिन को अपने साथ रात को डिनर करने के लिए कहती है, तो वो आगे से ये कहकर उसे मना कर देते हैं कि मुझे रात को कोई इम्पोर्टेंट काम है। अब फिर बाद में गु भी बिजी होते हैं, तो जी श्याओ और जिन मिलकर डिनर करने का डिसाइड करती हैं। अब बाद में वो जिस रेस्टोरेंट पर आई होती हैं, वहाँ पर जिन तो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने में बिजी होता है। ये देखकर जिन को काफ़ी बुरा लगता है और वो इस बारे में उससे जाकर बात करती है कि मुझे तुमने झूठ क्यों बोला था कि मुझे रात को इम्पोर्टेंट काम होना है, तो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पर जिन तो उससे थोड़ा रूडली बात करने लगता है कि मैं अब हर वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट स्पेस चाहिए। इस बात से जिन सैड हो जाती है कि अगर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो कम से कम मुझे तो बता देता, मैं भला इसे क्यों मना करती। और यहाँ पर इनकी अच्छी खासी बहस भी हो जाती है और ये दोनों फिर एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। जी श्याओ ये सब बताने के लिए सैन को कॉल करती है, तो वो इस वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड से निमट रही होती है, तो वो उसकी बात नहीं सुन पाती। उसका एक्स उससे पैचअप करना चाहता था और सैन इस बात के हक में नहीं थी। वो उससे आर्ग्यू कर ही रहा होता है कि ऊपर से गु श्याओ वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों में फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब फिर बाद में सैन उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मेरा उस नमूने से पीछा छुड़ाया। जी श्याओ वो उसे मिलने हॉस्पिटल आई होती हैं और यहाँ पर वो उसे जिन और जिन के सारे मसले का बताती है। गु को तो यहाँ पर यही लगता है कि रिलेशनशिप से हट के इंसान की एक प्राइवेट लाइफ भी होती है, तो इसलिए उसे एक स्पेस भी चाहिए होती है। वो यहाँ पर जिन की ही फेवर करता है, तो इस बात से जी श्याओ का दिल बुरा हो जाता है और वो समझने लगती है कि शायद इसे भी मुझसे कुछ स्पेस चाहिए। फिर उसे सैन की कॉल आती है, तो वो दोनों फ्रेंड्स फिर मिलकर जिन को तसल्ली देने पहुंची होती हैं। उन्हें तो अब किसी हद तक यही लगता है कि सारे आदमी एक ही जैसे होते हैं। वो रात को जिन को चेयरअप करने उसे बार में लेकर आई होती हैं। दूसरी तरफ जिन जिन से फाइट करके पछता रहा होता है, बट फिर भी वो उसे कॉल करके सॉरी नहीं बोलता। यहाँ पर सैन तो जिन को कॉल करके उसे खूब खड़ी खड़ी सुनाती है और जिन की तरफ से तो जी श्याओ भी उसे खूब बुरा भला कहती है। यहाँ पर ये तीनों खूब ड्रिंक करती हैं। गु जब जी श्याओ को कॉल करता है, तो उसकी आवाज़ से उसे पता चल जाता है कि ये वाइन पीने एक क्लब पहुँची हुई है। अब इससे पहले कि गु उससे पूछता, सैन तो जी श्याओ से फोन ले लेती है। फिर वो गु श्याओ को कॉल करके उस बार का उससे पूछते हैं जहाँ पर सैन अक्सर जाया करती है, क्योंकि जाहिर है अब जी श्याओ भी उसी के साथ ही वहीं पर गई होगी। जी श्याओ को अकेला देखकर एक लड़का तो उससे फ्लर्ट करने वहाँ पर आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर गु भी उसे लेने बार में आ गया होता है। अब फिर गु के वहाँ आते ही वो लड़का तो उठकर वहाँ से चला जाता है और गु फिर जी श्याओ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। एंड साथ में वेटर को भी कह देता है कि इसके फ्रेंड्स को बता देना कि गु तुम्हारी फ्रेंड को लेकर गया है। तो वेटर फिर बाद में सैन के पूछने पर उसे बता देता है कि तुम्हारी फ्रेंड को कोई मिस्टर गु नाम का लड़का लेकर गया है। तो अब उन्हें जी श्याओ की भी टेंशन नहीं होती। जी श्याओ तो उससे उसी बात पर ही नाराज होती है कि आदमियों को भी स्पेस चाहिए होती है। यहाँ पर गु उससे कहता भी है कि मेरा वो बात कहने का मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया है, बट वो तो उससे अभी भी नाराज होती है और वो गाड़ी स्टॉप करवा कर खुद ही घर जाने लगती है।
गु शियाओ भी सैन से मिलने आया होता है और यहाँ पर वो उससे अपना लव कन्फेस करके उसे किस भी कर लेता है। नेक्स्ट डे गु को जी शियाओ को मनाने का एक आइडिया आता है। वो सैन को कॉल करके उससे एक फेवर मांगता है कि मैं जी शियाओ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो फिर प्लान के मुताबिक जी शियाओ को कॉल करके वो उसे अपना कल सामान पैक करके बाहर आने को कहती है कि कल हमने मिलकर आउटिंग पे जाना है। सो वो फिर ऐसा ही करती है, बट उसे लेने सैन नहीं बल्कि डॉक्टर गु आता है और वो यहाँ पर अपनी एंग्री गर्लफ्रेंड को मनाने में भी कामयाब हो जाता है। और वो यहाँ पर उसे अपने साथ मिट्टी और शावर दिखाने के लिए लेकर जाने वाला था और हॉस्पिटल से उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी। जी शियाओ तो यहाँ पर कुछ रोमांटिकली सीन ही इमेजिन करने लगती है, बट एक्चुअली में तो वो उसे एक कंट्री साइड एरिया में ही लेकर जाता है। खैर, रूम्स बुक करवाते हुए वो पर्सन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास बस वन रूम ही बाकी बचा है, सो इन्हें फिर एक ही रूम बुक करवाना पड़ता है। बट एक्चुअली में फिर उन्हें पता चलता है कि अनॉइंग पर्सन तो सब कपल्स को यही वर्ड कहकर ही रूम दे रहा था। फिर एक बहाना करके गु सबसे पहले रूम में जाता है। वो वहाँ पर बेड पर फैले फ्लावर्स को फिर छुपाने लगता है। आखिर जो भी था, ये दोनों अब यहाँ पर हनीमून थोड़ी ना मनाने आए थे। फिर बाद में जी शियाओ जब रूम में आती है तो वो एक बहाने से गु को रूम से निकाल कर फिर सैन को कॉल करके बताती है कि हमें रहने के लिए एक ही रूम मिला है। वो इस बात से काफ़ी नर्वस होती है, बट उसकी फ्रेंड्स उसे इस बात की टेंशन ना लेने को कहती हैं। फिर बाद में जी शियाओ और गु मिलकर एक ब्रिज पर भी जाते हैं और यहाँ पर आने का जी शियाओ का ही आइडिया था कि जो कपल्स इस ब्रिज पर मिलकर वॉक करते हैं वो फिर फॉरएवर एक साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों फिर यहाँ पर एक साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब फिर रात को यहाँ पर रेन भी स्टार्ट हो जाती है, सो मिट्टी और शावर देखने वाला प्लान तो इनका सारा का सारा चौपट हो जाता है। फिर जी शियाओ जब शावर लेने जाती है तो तब वो फिसल कर गिरने लगती है। अब उसकी चीख की आवाज़ सुनकर गु तो वॉशरूम का डोर ओपन कर बैठता है, बट फिर एम्बेरस होकर फौरन से डोर क्लोज कर देता है। जी शियाओ तो उसे फिर चीख कर रूम से बाहर निकल कर जाने को कह देती है। वो भी बाहर जाकर अपने लिए एक और रूम बुक करवा लेता है। यहाँ पर जी शियाओ को उसके देखने से प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मैं अगली लग रही थी। वो मुझे ऐसे देखकर क्या सोचता होगा, ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड्स से भी डिस्कस करती है, बट वो उसे यूँ इस मास के लिए परेशान ना होने को कहती हैं। फिर यहाँ पर लाइट चली जाती है तो गु फिर जी शियाओ को देखने उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है, क्योंकि आखिर उसे उसकी फिक्र जो हो रही थी। अब ये दोनों फिर एक ही रूम में स्टे करने का सोचते हैं। यहाँ पर गु थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है, बट जी शियाओ फिलहाल इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, सो वो भी उसे ये सब करने के लिए फोर्स नहीं करता। गु तो अपने और जी शियाओ के रिलेशन को लेकर सीरियस था, बट उसे एक राइट मोमेंट का इंतज़ार था। अब नेक्स्ट डे उनका सनराइज देखने का प्लान था। रात को वो तो मिट्टी और शावर नहीं देख पाए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गु जी शियाओ को उठाता है, वो भी रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक किस करके। वो दोनों फिर एक प्लेस पर सनराइज देखने आए होते हैं। यहाँ पर गु उसे बताते हैं कि मैं इस विलेज में मेडिकल सर्विस के लिए आया था और फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लवर को भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर एक स्कूल को देख कर जी शियाओ को याद आता है कि मैं भी यहाँ पर एक स्कूल ट्रिप पर आ चुकी हूँ। फिर एक किड की यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी तो तब मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जो कि बिल्कुल ही इम्पोलाइट था। ये सुनकर गु का फेस देखने वाला होता है और यहाँ पर हमें फील होता है कि गु ही वो डॉक्टर था जिसके पास जी शियाओ उस किड को लेकर गई थी। इसका मतलब ये दोनों पहले ही मिल चुके थे। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।